Good morning students, welcome to the Hindi virtual classes. अभी तक हमने पाठ तीन बरसते जल के रूप अनेक के दो प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ किए थे. अब हम इसका तीसरा प्रश्न करेंगे. प्रश्न है पाला क्या होता है. बच्चों जैसा कि जब हमने पाठ पढ़ा था तो आपको बताया था कि अमन के दादाजी से सभी बच्चे प्रश्न कर रहे थे और दादाजी ने उनके प्रश्नों के उत्तर बताते हुए बताया था कि जब सर्दियों में बर्फ़ अधिक ठंड पड़ने लग जाती है तब हवा में जो भाप होती है वो जम जाती है और खेतों में सुबह सुबह यह भाप किसके रूप में दिखाई देती है, हमें बर्फ़ की चादर के रूप में, और इसे ही हम पाला कहते हैं. तो उत्तर है सर्दियों में जब अधिक ठंड पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और खेतों में सुबह सुबह बर्फ की चादर के रूप में दिखाई देती है, इसे ही पाला कहते हैं. अगला प्रश्न है हिमपात कब और कहाँ होता है. ये भी दादाजी ने बताया था कि हिमपात जो है वो पहाड़ों पर होता है. अब ये कब होता है. शीत ऋतु में जब अधिक ठंड होती है तो वहाँ के वायुमंडल में जो भाप होती है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाती है और जब यही बर्फ नीचे बरसती है तो इसे हम हिमपात कहते हैं. तो उत्तर है हिमपात पहाड़ों पर होता है. शीत ऋतु में अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ़ के रूप में बदल जाती है. यही बर्फ जब नीचे बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं. बच्चों आप सभी ये प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और उसे याद भी करेंगे.